सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का प्रेस नोट अभी अभी जारी हुआ है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखने वाले साथियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। प्रेस नोट में कहा गया है, आयोग द्वारा प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 12 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च 2021 से 19 मार्च 2021 तक एवं सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 4 अप्रैल 2021 से 11 अप्रैल 2021 व 28 अप्रैल 2021 से 2 मई 2021 तक किया जाएगा। उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जाएगा। साथियों, अचानक घोषित इस कार्यक्रम से कुछ अलग ही स्थितियां पैदा कर दी हैं सभी प्रतियोगियों के लिए, लेकिन इन परिस्थितियों में जो सबसे ज़्यादा संयम रखेंगे, जो सबसे ज़्यादा धैर्य के साथ मेहनत करेंगे, प्लानिंग के साथ हार्डवर्क करेंगे, वो सफलता प्राप्त करेंगे। आपको पैनिक नहीं होना है। यदि कॉलेज शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा का कार्यक्रम देखें तो दोनों चरणों में हम देखें तो पहले चरण के लगभग 80 दिन बचे हैं और दूसरे चरण के लगभग 100 दिवस आपके लिए तैयारी में बचे हैं। इनका अधिकतम उपयोग किया जाए एक रणनीति के साथ। समय सबके लिए समान है, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो स्मार्ट स्टडी करेंगे, जो अपनी रणनीति बनाकर उस पर अमल करेंगे, उनको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014, जिसमें एग्जाम 2016 में आयोजित हुई थी और 2018 में नियुक्ति दी गई थी, उसके अंतर्गत मैंने फिजिक्स से थ्योरी में सेकेंड रैंक ऑल ओवर राजस्थान हासिल की थी। तो फिजिक्स से संबंधित कंटेंट मैंने काफ़ी मेरे चैनल पे डाला है और अब इस सीमित समय में कुछ पुराने पेपर, सोल्ड पेपर, अनसोल्ड पेपर और महत्वपूर्ण मटेरियल मैं उपलब्ध कराऊंगा। सभी साथियों को यही संदेश है मेरे खुद के अनुभवों से कि जो भी सीमित समय है, इसका अधिकतम सुनियोजित तरीके से उपयोग कर सफलता प्राप्त करें। इसमें कोई शंका नहीं है, समय कम है, लेकिन सभी के लिए तो कम है। ऐसे में जो धैर्य धारण करके अपने आप को सुनियोजित करके, अपने आप को संयमित रखकर एक प्लान्ड, वेल प्लान्ड हार्ड वर्क जो करेंगे, उनको सफलता मिलेगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।